बसपा के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर पैसे लेकर टिकट और पद देने का आरोप लगाया, जबकि सतीश मिश्रा पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहारनपुर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए थे। बसपा से निष्कासित कद्दावर नेता नसीमुद्दीन ने कहा कि बसपा पूरी तरह से खत्म हो रही है, सभी बड़े नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। मायावती के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिखावा है। वही सतीश चंद्र मिश्रा पर पार्टी तोड़ने और हिटलर शाही का भी आरोप लगाया गया। अभी कल ही जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, श्री इंजी सरोज जी ने पार्टी छोड़ दिया है। उनसे भी पैसा मांगा गया था, उन्होंने साफ साफ आप लोगों के चैनल में अखबारों में अपना बयान दिया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी ईसम सिंह मौर्य हमारे टच में हैं, पूर्व मध्य प्रदेश प्रभारी फूल सिंह बरैया हमारे टच में हैं, महाराष्ट्र के बीएसपी के प्रभारी और आंध्रा के बीएसपी के प्रभारी डॉक्टर सुरेश माने हमसे 15 तारीख को लखनऊ में हमारी मीटिंग में मिल गए हैं। मानो श्री कांशीराम साहब के छोटे भाई जो संस्थापक हैं बीएसपी के बाम से डीएफओ के, श्री दलबारा सिंह जी 15 जुलाई को मुझसे मिलकर के मीटिंग करके गए और 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जो 6 तारीख को लखनऊ में और दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच रहे हैं और 15 तारीख को मुझसे लखनऊ में मिल चुके हैं। जल्दी ही बड़े पैमाने पे बीएसपी से भगदड़ शुरू होने वाली है, क्योंकि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सलाहकार हैं श्री सतीश चंद्र मिश्रा, उनका उद्देश्य यही है कि बीएसपी समाप्त होना चाहिए और मेरा वर्चस्व होना चाहिए। अभी आपने देखा कि सुश्री मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ये किसकी सलाह पे इस्तीफा दिया, या मुझे जो निकाला गया किसकी सलाह पे निकाला गया, या सांसद श्री सालेम अंसारी जी को निकाला गया किसके सहारे पे निकाला गया, हमारी मायावती जी ने जो राज्यसभा से इस्तीफा दिया किसके कहने पे इस्तीफा दिया, एक आदमी है श्री सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। राज्यसभा से इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं दलितों की आवाज उठाना चाहती हूं, सहारनपुर के शब्बीरपुर के कांड की बात रखना चाहती हूं और बीजेपी मुझे बोलने नहीं दे रही। हो सकता है बीजेपी ना बोलने दे रही हो या बोलने दे रही हो, मुझे मैं तो हाउस में था नहीं, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कि ना बोलने दे रही हो, तो क्या यह स्टेप सही है? और अगर बीजेपी नहीं बोलने दे रही थी आपको, तो जब हरियाणा में दलितों के घर में दलितों के रहते हुए आग लगा दी गई और कई दलित जल करके मर गए, तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चंद्रशेखर जी से नहीं मिला हूं, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर बीजेपी का आदमी, मैं नहीं जानता हूं कौन किसका आदमी। आप इस्तीफा कब दे रही हो? आप इस्तीफा दे रही हो क्या? अगर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुस्लिम के साथ, अपर कास्ट के साथ, सिखों के साथ, किसी के साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है और अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या यह काम है इस्तीफा दे देना? अरे भाई, अगर मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कह दूं कि बीजेपी ने आपको बोलने दिया कि नहीं बोलने दिया, क्या हुआ? राज्यसभा का मामला है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि बीजेपी ने अगर नहीं बोलने दिया, तो आप क्या है मायावती जी? आप बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज राज्यसभा की आप, उस समय जब बोलने नहीं दिया गया आपने कहा, उस समय आप बीएसपी की राज्यसभा की नेता थी और बीएसपी
कि नेता के साथ साथ आप चार चार बार सबसे बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अरे जब आपको नहीं बोलने दिया तो बाकी आपके सदस्यों को कैसे बोलने दिया जाएगा? और आपने ये आधार ले लिया कि मुझे नहीं बोलने दिया इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया।